अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम हिजाबा खान, वेलकम बैक टू कार्स एंड चैनल। व्यूवर्स, अगर आप लोगों का बजट ऑल्टो जितना है, इस बजट में आप लोगों को 1000 cc कैटेगरी की हैचबैक कार चाहिए जो कि फ्यूल एफिशिएंट भी हो, फीचर्स के लिहाज से भी डिसेंट सी हो एंड लुक्स भी इसको बहुत ही बेहतर हो, तो विट्स से बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो यह है थर्ड जनरेशन टोयोटा विट्स एफ 2014 मॉडल, 2017 इंपोर्ट, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड, बम्पर टू बम्पर चेन वन। ये थर्ड जनरेशन टोयोटा विट्स है, इसकी प्रोडक्शन 2010 से लेकर 2020 तक हुई थी एंड 2020 के बाद इसको एज अ यारिस के तौर पर रिप्लेस कर दिया। अब विट्स हमें नहीं मिलेगी, यारिस मिलेगी। थर्ड जनरेशन टोयोटा विट्स को दो बार फेसलिफ्ट कर दिया था। पहला फेसलिफ्ट 2014 में, जिसको स्पाइडर शेप भी कहा जाता है। फर्स्ट फेसलिफ्ट में इसके फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट बम्पर, रियर टेल लाइट्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। इंटीरियर में सिर्फ एयर वेंट्स का डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज कर दिया था। बाकी सेकंड फेसलिफ्ट एक मेजर फेसलिफ्ट था, जिसमें इसके फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट बम्पर, रियर टेल लाइट, रियर बम्पर का डिज़ाइन चेंज कर दिया था एंड जितने भी ये रडार वगैरह के फीचर्स हैं वो उन्होंने ऐड कर दिए थे, हीटेड सीट्स और मुख्तलिफ से जो फीचर्स आजकल आप लोगों को गाड़ियों में मिल जाते हैं, तो सेकेंड फेसलिफ्ट के बाद उन्होंने इसमें ये ऐड कर दिए थे। बाकी अगर देखा जाए तो विट्स काफ़ी फेमस कार भी है वर्ल्ड वाइड, और थर्ड जनरेशन विट्स में आते हैं थ्री मेन वेरिएंट्स, जैसे कि एफ, यू, जवेला एंड आरएस मॉडल। अब इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं लेकिन ये कॉमन वेरिएंट्स है। अब इसमें इंजन ऑप्शंस भी बहुत सारे अवेलेबल है, जैसे कि 1000 cc से लेकर 1800 cc तक। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें CVT ट्रांसमिशन का यूज़ किया है, तो एक फ्यूल एफिशिएंट कार भी है। बाकी ये विट्स फॉर सेल भी है और लिस्टेड है न्यू एतिहाद कार सेंटर, रिंग रोड, पिशावर। इसकी डिमांड है 3350। बात हो सकती है, अगर आप लोग मेरे चैनल कार्स के ऊपर नहीं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यह है थर्ड जनरेशन टोयोटा विट्स फर्स्ट फेसलिफ्ट का फ्रंट लुक। फर्स्ट फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट हेडलाइट्स, फ्रंट बम्पर का डिज़ाइन चेंज कर दिया था। इसको स्पाइडर शेप भी कहा जाता है। थर्ड जनरेशन टोयोटा विट्स में इंटरेस्टिंग चीज़ भी प्रोवाइड की गई है, जो कि है इसके फ्रंट साइड पे सिंगल वाइपर। इसके फ्रंट बॉनट के ऊपर यहाँ पे टू कलर लाइंस भी प्रोवाइड की गई हैं, जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है। फ्रंट ग्रिल की बात की जाए तो ये हेडलाइट्स के साथ कनेक्टेड है, ब्लैक कलर की ग्रिल है। विट्स का लोगो मिल जाएगा जो कि क्रोम फिनिशिंग के साथ है। मेन हेडलाइट्स की बात की जाए तो ये है ऑल इन वन क्रिस्टल क्लियर स्मोक हेडलाइट्स विद हैलोजन बल्ब, और ये एडजस्टेबल भी है। फिर इस वेरिएंट में फॉग लैंप्स नहीं आते क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, जस्ट यहाँ पे कवर्स दिए हैं लोग, इसमें फिर आफ्टर मार्केट DRLs वगैरह लगा लेते हैं। फिर फ्रंट बम्पर में बड़ी सीट ग्रिल प्रोवाइड की गई है। अब जितनी भी टोयोटा की गाड़ियाँ आ रही है उन सब में जो फ्रंट बम्पर है वो डिज़ाइन कॉमन मिल जाता है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो विट्स एक 5-डोर हैचबैक कार है एंड अपने लीग में सबसे बेस्ट कार भी है। अब बिल्कुल बेस वेरिएंट है। अब बेस वेरिएंट में कुछ चीज़ें नहीं भी आती, जैसे कि अलॉय व्हील्स इसमें नहीं मिलेंगे। इसमें सिंपल से स्टील व्हील्स लगे हैं 14 इंच के, 175/65 R14 टायर प्रोफाइल, ABS इसमें स्टैंडर्ड है। अब इस वेरिएंट में साइड स्कर्ट्स नहीं आती, साइड स्कर्ट्स सिर्फ RS वेरिएंट में प्रोवाइड की जाती हैं। अब अगर बात की जाए इसके साइड मिरर्स की तो ये है बॉडी कलर में रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स, टर्न सिग्नल्स एंड फोल्ड फीचर्स, सनवाइजर्स भी सारे ही वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड है। फिर ये वेरिएंट जो है की वेरिएंट है, यानी ये की स्टार्ट वाला वेरिएंट है। इसके जो रेड डोर ग्लास है ये भी टिंटेड है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कलर लाइंस प्रोवाइड की गई है। इसके रियर व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया है, फ्रंट व्हील्स में डिस्क ब्रेक्स का यूज़ किया है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो डिज़ाइन भी इसका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और हाँ, फेसलिफ्ट के बाद यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं मिले थे। बैक लुक की बात की जाए तो ये इसका फेसलिफ्ट वेरिएंट है। फेसलिफ्ट के बाद इसके टेल लाइट्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया था, और विट्स हमेशा से ही काफ़ी डिसेंट सी चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि इसके रूफ़ के ऊपर यहाँ पे माइक्रो एंटीना मिल जाता है रेडियो वगैरह के लिए। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है विद हिडन वॉशर। इसकी जो रेयर विंडस्क्रीन है ये टिंटेड है क्योंकि जापानीज इम्पोर्ट की है। साथ ही वाइपर की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, टोयोटा का लोगो मिल जाता है, और इसी के साथ एक बड़ी सी क्रोम गार्निश भी प्रोवाइड की गई है जो कि स्टैंडर्ड है। इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे विट्स की बैजिंग प्रोवाइड की गई है। इसमें मजीद कोई और बैजेस नहीं आते। टेल लाइट्स की बात की जाए तो ये फेसलिफ्ट वाले टेल लाइट्स है, इनमें हैलोजन बल्ब का यूज़ किया गया है। इसके रेयर बम्पर में कोई रिफ्लेक्टर्स इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई। अगर हम इसके सेकेंड फेसलिफ्ट की बात की जाए तो उसमें तो काफ़ी गेम ही चेंज कर दी थी। इंटीरियर की बात की जाए तो ये डुअल टोन कलर में है। फर्स्ट फेसलिफ्ट के बाद इसके इंटीरियर में एक चीज़ चेंज कर दिया था, वो है डैशबोर्ड के सेंटर के जो दो एयर वेंट्स है उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया था। बाकी स्विट्स में इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि इसमें लगा हुआ है टोयोटा का 3-स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद एयरबैग, एडजस्टेबल भी है। इसके राइट स्पोक से आप कॉलिंग कर सकते हैं एंड इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस स्पेसिफिक वेरियंट के हेडलाइट्स में कोई भी ऑटो ऑन ऑफ का फीचर नहीं दिया हुआ। स्टेयरिंग के राइट साइड पर यहाँ पर एयर वेंट है जो कि राउंड शेप में है, ब्लैक कलर
का है। इसके नीचे वाली साइड पे हेडलाइट एडजस्टर का बटन है, साइड मिरर के कंट्रोल्स दिए गए हैं और ये वेरिएंट की स्टार्ट है। इसके अपर वेरिएंट में पुश स्टार्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। फिर अगर बात की जाए इसके स्पीडोमीटर की तो स्पीडोमीटर भी इसमें टोटल 180 का आता है। राइट साइड पर फ्यूल की गेज है, इसमें RPM नहीं आता, RPM इसके अपर वेरियंट्स में मिल जाता है। इसमें छोटी सी डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है, इसमें डिजिटल क्लॉक, आउटसाइड टेम्परेचर, गियर इंडिकेशन और ट्रिप ए, ट्रिप बी, लाइफ एवरेज, फ्यूल एवरेज और इसके बाद जो है रेंज वगैरह भी शो करेगी। और ये टोटल चली भी है 97,000 और ये काफ़ी लो माइलेज में है। और अगर बात की जाए इसके मैन डैशबोर्ड की तो मैन डैशबोर्ड जो है मोस्टली चीप प्लास्टिक का है, लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। फर्स्ट फेसलिफ्ट के बाद जो इसके सेंटर के दो एयर वेंट्स है इसका डिज़ाइन चेंज कर दिया था, थोड़े से बड़े कर दिए हैं। साथ ही इसमें एंड्रॉयड पैनल भी लगा हुआ है जो कि आजकल किसी भी गाड़ी में लगवा सकते हैं। उसके अराउंड के अराउंड ब्लैक कलर का ही उसके हैजर्ड का बटन मिल जाएगा। और इसी के साथ ही इसमें मिल जाएंगे मैनुअल एसी कंट्रोल्स। इसके अप वेरिएंट्स में डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है। फिर नीचे वाली साइड पे एक पावर आउटलेट दी गई है और साथ ही यहाँ पे फिर से स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाती है विद टू कप होल्डर। और ये विड्थ जो है CVT ट्रांसमिशन के साथ है, उसमें स्पोर्ट्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है। फिर इसमें ट्रेडिशनल जो आर्म से हैंड ब्रेक्स आते हैं मैनुअल वो मिल जाता है, इसमें आर्मरेस्ट नहीं आता। ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो काफ़ी ह्यूज साइज़ का है और इसमें जो है डुअल ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, ऊपर वाली साइड पर एक, नीचे वाली साइड पर स्टेज। फिर अगर बात की जाए इसके सेफ्टी फीचर्स की तो इसमें दो इवेंट्स दिए गए हैं, रियर व्यू मिरर नॉर्मल साइज की है, रीडिंग लाइट है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है, सनशेड की बात की जाए तो इसमें वैनिटी मिरर भी दिए गए हैं जो कि सिर्फ ड्राइवर साइड पे अवेलेबल है, पैसेंजर के लिए प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। तो सेफ्टी फीचर्स जो है इसमें टू एयरबैग्स दिए हैं और आज भी अगर देखा जाए तो विड्स के जो इंटीरियर है प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं। सीट्स की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में है और इसके जो हेड रेस्ट है ये इसमें फिक्स है। यहाँ पे जो इसके सीट्स ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल भी है और ये एडजस्टेबल भी है, यानी आप इसके हाइट को भी अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे सिल प्लेट्स मिल जाती है टोयोटा की। डोर कार्ड्स भी इसके बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती है, साइड विंडोज इसकी पावर्ड है और यहाँ पे बोतल होल्डर, स्पीकर भी, इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। ओवरऑल अगर डैशबोर्ड की बात की जाए तो ये विड्स आज भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं, स्पेशली जो इसका स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल जाती है। रियर कैबिन की बात की जाए तो 1000cc हैचबैक कैटेगरी में सबसे ज़्यादा स्पेशियस विड्स और पासो है, फिर विड्स तो बहुत ही ज़्यादा भी है। अगर बात की जाए इसके रियर सीट्स की तो यहाँ पे इजीली 3 लोग भी बैठ सकते हैं, साथ ही यहाँ पे 3 हेडरेस्ट भी प्रोवाइड किया है जो कि एडजस्टेबल भी है। इसके सेंटर में आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ। लेग स्पेस की बात की जाए तो अच्छी खासी है, हालांकि अगले वाले सीट्स बिल्कुल मैंने पीछे की हुई है। ऑलरेडी मैंने बताया कि स्पेस वाइज विड्स बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है। रूफ लाइट्स मिल जाती है जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है, ये छोटी मोटी गाड़ी में ये चीज़ें मिली जाती हैं। फिर अगर बात की जाए इसके रेड डोर कार्ड्स की तो इसके रेड डोर कार्ड्स में फैब्रिक का यूज़ नहीं हुआ है जैसे कि इसके फ्रंट डोर कार्ड्स में यूज़ हुआ है। साइड विंडो पावर है, स्पीकर ग्रिल यहाँ पे मिल जाती है। बाकी ओवरऑल अगर बात की जाए इसके रेयर कैबिन की तो अच्छी खासी स्पेशियस है और जो ब्लैक सीट्स है अमेजिंग है। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे इजीली 3 से 4 लोगों का लगेज फिट आ सकता है। अगर आप चाहें तो इसके जो सीट्स हैं उसको फोल्ड भी कर सकते हैं। फिर अगर बात की जाए इसके स्पेयर टायर की तो कुछ वेरिएंट्स में आते हैं, कुछ वेरिएंट्स में नहीं आते। खैर अगर बात की जाए इस वेरिएंट की तो इसमें स्पेयर टायर मिल जाता है जो कि अच्छी बात है, पाकिस्तान की सड़कों में जो ये काम आती है। फिर अगर बात की जाए इसके रेड सीट्स को आप फोल्ड कर सकते हैं, इसके जो ट्रंक स्पेस है उसको और भी बढ़ा सकते हैं। फिर साथ ही यहाँ पे हैलोजन बल्ब के साथ लाइट भी प्रोवाइड की गई है, ये काम आती है, ये छोटी मोटी चीज़ है। फिर अगर ओवरऑल बात की जाए तो 1000cc कैटेगरी में जो है इसकी जो ट्रंक स्पेस है वो भी सबसे ज़्यादा है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। और जिनके पास विड्स गाड़ियाँ हैं उनको पता होगा कि कल्टस, वैगनार या पिकांटो वगैरह से इसकी जो ट्रंक स्पेस है वो अच्छी खासी ज़्यादा प्रोवाइड की गई है। अगर बात की जाए इसके इंजन की तो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन विड्स में बहुत सारे इंजन ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये बिल्कुल बेस वेरिएंट है, सो इस वेरिएंट में लगा हुआ है टोयोटा का 3 सिलेंडर का 1KR FE, ये नेचुरली एस्पिरेटेड 1000cc इंजन है विद CVT ट्रांसमिशन, प्रोड्यूस करती है 66 हॉर्स पावर, साथ ही 91 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। विड्स जानी जाती है अपनी फ्यूल एवरेज की वजह से, सेम ही इंजन जो है टोयोटा पासो में भी अब मिल जाता है। इसकी फ्यूल एवरेज अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो ये 25+ फ्यूल एवरेज भी आप लोगों को प्रोवाइड कर सकती हैं। अगर आप इसको जो है प्यार से नहीं चलाते तो ये 20 तक प्रोवाइड कर सकती है। बाकी फिर ये जैपनीज है, इसमें जो है ABS, एयरबैग्स तरह की चीज़ें भी मिल जाती है। बॉनर के इनर साइड पर इंसुलेशन का भी यूज़ हुआ है, इससे हीट भी कम हो जाती है, साउंड भी काफ़ी हद तक डैम्प्ट हो जाती है। पावर के लिहाज से भी ये इंजन काफ़ी पावरफुल इंजन भी है।
अच्छा तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये थर्ड जनरेशन टोयोटा विल्स जो कि 1000 सीसी कैटेगरी में सबसे बेस्ट कार है। अगर हम लोकल गाड़ियों के साथ कंपेयर करें कल्टस और वैगनर उनसे तो हज़ार गुना बेहतर है। अगर हम टोयोटा पासो या पिकांटो के साथ कंपेयर कर ले उनसे भी ये काफ़ी बेस्ट है। एक तो पार्ट्स वगैरह का भी कोई इशू नहीं है। सबसे मेन हाईलाइट चीज़ है वो है इसके फ्यूल एवरेज। ये फ्यूल एवरेज बहुत ही ज़्यादा बेस्ट प्रोवाइड करती है। स्पेस वाइज भी अच्छी खासी स्पेशियस है। लुक्स भी इसमें कोई कमी मौजूद नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।